इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्क्रू गेज। हम स्क्रू गेज को डिस्कस करेंगे कि स्क्रू गेज के ज़रिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ जो है वो किस तरह फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्क्रू गेज होता क्या है। स्क्रू गेज बेसिकली जो है वो एक यू शेप जो मेटल है, मेटल फ्रेम उस पर मुश्तमिल होता है। और इसके साथ क्या होता है, ये इसके लास्ट जो ये वाला कॉर्नर है, एंड वाला कॉर्नर, उस पर ये एक स्टड लगा होता है। ये स्टड जो है उसके साथ क्या होता है, वो फिक्स होता है। इसके अपोजिट क्या है, इसके अपोजिट स्पिंडल होती है। स्पिंडल जो है वो ये हमारा मेन स्केल है, हॉलो सिलेंडर इसको हम कहते हैं। ये स्पिंडल इसके साथ जो है वो फिक्स होती है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास एक थिम्बल होता है। थिम्बल बेसिकली नट का काम करता है। जब हम ऑब्जेक्ट की रीडिंग लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं, हम इस जो हमारा थिम्बल है उसको हम मूव करते हैं, ठीक है। ये मूव किस तरफ होता है, क्लॉकवाइज ये हमारा थिम्बल जो है वो मूव करता है। जब हम इसको मूव करते हैं तो मूव करते हुए हमारा जो थिम्बल है ये इसके ऊपर जो है वो ये जब हम मूव करते हैं तो ये जो स्पिंडल है ये आगे की तरफ मूव करती है और मेन स्केल के ऊपर ये आता है। तो ये जो मेन स्केल है ये किसके साथ, ये जो हॉलो सिलेंडर हमारा या मेन स्केल है ये स्पिंडल के साथ क्या होता है, वो फिक्स होता है। और मजीद यहाँ पे ये क्या है, लॉक होता है। जब हम थिम्बल को हम इसको थिम्बल को मूव करते हैं, मूव करने के बाद जब ये स्पिंडल हमारी आगे आता है, हम जब ऑब्जेक्ट की रीडिंग ले रहे हैं, जब ऑब्जेक्ट के साथ बिल्कुल फिक्स हो जाती हैं, स्टड और स्पिंडल दोनों साइड फिक्स हो जाती हैं, तो हम यहाँ से लॉक को क्या कर देते हैं, यहाँ से इसको टाइट कर देते हैं ताकि वो मजीद जो है वो मूव ना करे। अब हम देखते हैं कि मेन स्केल क्या है। मेन स्केल के ऊपर हमारी जो रीडिंग होती है वो जो हमारे मेंशन होते हैं, जो हमारे स्केल्स वहाँ पे जो मेंशन चीज़ होती है वो मिलीमीटर्स होते हैं। मिलीमीटर जो है वो मेन स्केल के ऊपर जो है वो मेंशन होते हैं। उसके साथ ये जो है हमारा ये मेन स्केल कहलाता है, ये हमारा सर्कुलर स्केल कहलाता है, जो हमारा थिम्बल के साथ ये हमारा सर्कुलर स्केल कहलाता है। सर्कुलर स्केल जो है वो बेसिकली इसके अंदर जो है वो 100 डिवीजन होती हैं। कितनी डिवीजन होती हैं, 100 डिवीजन होती हैं। और ये जो है इसके साथ जो अंदर जो है इसके अंदर थ्रेडेबल जो है वो स्पिंडल लगी होती है। जब हम इसको मूव करते हैं, इसको जब हम मूव करते हैं तो ये 100 डिवीजन जब ये अपनी जो है वो वन रोटेशन एक पूरी रोटेशन कंप्लीट करता है, तो एक रोटेशन इसकी कंप्लीट होने में जो है ये पूरा 100 जो है डिवीजन्स ये पास करता है। 100 डिवीजन्स को पास करने के बाद ये यहाँ से 1 मिलीमीटर जो है वो आगे मूव करता है। 100 डिवीजन्स को पास करता है, 100 डिवीजन जब पास होती हैं, पास होने के बाद 1 मिलीमीटर जो है ये आगे की तरफ मूव करता है। इसके अगर हम लीस्ट काउंट की बात करते हैं तो लीस्ट काउंट जो इसका वो 0.01 मिलीमीटर्स होता है। 0.01 मिलीमीटर्स इसका लीस्ट काउंट होता है। हमारे पास जो पिच है, हमारी मेन स्केल की पिच हम कह सकते हैं, ठीक है, या हम इसको ये कह सकते हैं कि हमारी सबसे जो स्मॉल रीडिंग है हमारी वो पिच ऑफ लीस्ट काउंट, हमारे पास पिच ऑफ स्क्रू गेज की पिच, या हमारे पास ये भी आप कह सकते हैं कि इसकी सबसे कम वाली जो रीडिंग है, सबसे छोटी रीडिंग मेन स्केल के ऊपर है, वो है हमारी 1 मिलीमीटर। उसको हम डिवाइड कर देते होते हैं। हम किससे डिवाइड करते हैं, इसको हम डिवाइड करते होते हैं 100 डिवीजन जितनी हमारे पास डिवीजन्स हैं हमारे सर्कुलर स्केल के ऊपर। ये हमारा सर्कुलर स्केल होता है, तो जितनी डिवीजन हमारी सर्कुलर स्केल के ऊपर हैं उनको हम डिवाइड करते हैं। इससे हम क्या फाइंड करते होते हैं, लीस्ट काउंट हम इसके ज़रिए फाइंड कर सकते हैं। हमारी ये 1 मिलीमीटर होता है, 100 डिवीजन हमारे पास होती हैं, तो हम क्या है 0.01 मिलीमीटर तक और 0.001 सेंटीमीटर तक की जो रीडिंग है हम वर्नियर जो हमारा सॉरी स्क्रू गेज जो है इसको यूज़ करते हुए हम ये ले सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है वो जीरो एरर होता है, कि जीरो एरर स्क्रू गेज के अंदर क्या होता है। हमारे पास बेसिकली क्या है, जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, हम इसको इसके साथ स्पिंडल को ये थिम्बल को हम मूव करते हैं, मूव करते हुए हम इसको स्पिंडल को स्टड के साथ मिला देते हैं। मिलाने के बाद अगर ये जो हमारा ये पॉइंट है, ये वाली ये जो हमारी पर लाइन है, ये हमारी ये लाइन अगर इस जीरो जो हमारा मेन स्केल है, ये इंडेक्स लाइन हमारी इंडेक्स लाइन के ऊपर ही आता है, और जो मेन स्केल है हमारा मेन स्केल के ऊपर अगर आके ये इस बिल्कुल जीरो लाइन के ऊपर इस तरह होता है कि ये वाली लाइन और इधर जो जीरो वाली लाइन है वो भी बिल्कुल ऐसी ही है, ऐसे जीरो वाली और मेन वाली लाइन, ये जो थिम्बल की लाइन है ये जो आ रही है सर्कुलर स्केल हमारा, वो
और इसका जो जीरो की लाइन है हमारी मेन स्केल की, उसकी ऊपर अगर बिल्कुल एक्यूरेट उसके ऊपर आ रहा है तो जीरो एरर जो हमारे वो क्या होगा, वो जीरो हो रहा होगा। अगर ये वाला जो हमारा लाइन है ये इस जो जीरो है इसके इस साइड पे होती है, राइट साइड पे, अगर राइट साइड पे होती है इस साइड पे है तो हमारा जो जीरो एरर है वो हम लेंगे पॉजिटिव के अंदर, और ये अगर जीरो के इस साइड को होती है, अगर जीरो को क्रॉस कर जाती है तो हम फिर किसके अंदर लेंगे, फिर हम लेंगे उसको नेगेटिव के अंदर। ये चीज थी हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जब हम इसकी तरफ आ रहे हैं, अगर हमारे पास पॉजिटिव के अंदर है, क्या किसके अंदर है, पॉजिटिव के अंदर है, सपोज किया हमारे पास यहाँ पे आया, यहाँ पे जब हम इसको मूव कर रहे थे, मूव करने के बाद ये हमारा जीरो के इस साइड पे आ रहा है, जीरो के इस साइड पे आने के बाद हम जब देखते हैं कि जीरो एरर हमारा है कितना, तो हम डिविजन्स कहाँ से लेते हैं, हम इससे डिविजन्स लेते हैं। हमने इसको मूव किया, थिम्बल को मूव करते आ रहे थे, नट का काम कर रहा था, मूव करते आ रहे थे, जीरो के बिल्कुल साथ राइट साइड पे हमारा आया, राइट साइड पे आने के बाद यहाँ पे जो है इसकी हम जो लाइन है, जब इसके ऊपर हम देखेंगे कि डिविजन्स ने मूव कितना किया, बिल्कुल अब हमारा साथ हो गया, हमें ये स्पिंडल और स्टड जो थे वो मिल गए, यहाँ से हमारा बिल्कुल यहाँ तक आ गया, एंड तक आ गया। अब हम देखेंगे कि ये जो मेन ये हमारी इंडेक्स लाइन है, इंडेक्स लाइन के साथ कौन सी लाइन कंसीड कर रही है, इंडेक्स लाइन के साथ ये इंडेक्स लाइन है, इसके साथ हमारी सर्कुलर स्केल की कौन सी लाइन कंसीड कर रही है। अब हम देखते हैं हमारी सपोज किया है कंसीड कर रही थी 56 लाइन या 58 लाइन, कोई भी लाइन कर सकती है हमारी, अगर 58th लाइन कंसीड कर रही थी तो 58th लाइन कंसीड अगर कर रही थी तो हमारा 0.58 जो है ये हमारा क्या होगा, हमारा ये होगा जीरो एरर, सही है। अगर हमारी ये जीरो जो है इसको क्रॉस कर गए थे, ये तो है अगर आता है जीरो के इस साइड पे, अगर हम इसको लेकर आते हैं आगे और जीरो को क्रॉस कर जाता है, अगर क्रॉस कर जाता है देन हम क्या करेंगे, हमारे पास पहली तो बात जीरो एरर नेगेटिव में होगा, दूसरा अगर हमारे पास रीडिंग आ रही है यहाँ पे सपोज किया 45 आ रही है, हमारे पास रीडिंग क्या आ रही है 45, ये जो हमारा इंडेक्स लाइन है ये 45 वाली को क्या कर रहा था, हमारा कंसीड कर रहा था, ठीक है, जीरो को क्रॉस करने के बाद क्रॉस करता है जीरो एरर नेगेटिव, पहली चीज। दूसरी चीज अगर क्रॉस कर लिया है हम, ये जो अगर 45 आई है हमारे पास, 25 है, 85 है, कोई भी रीडिंग है, उस रीडिंग को 100 में से माइनस कर देंगे, उस रीडिंग को क्या करेंगे हम 100 से माइनस कर देंगे, ये हमारे पास आ गया 65, सॉरी 55, जो हमारा ये बचेगा 55, इसको अगर 100 से डिवाइड करते ये हमारा आता है 0.55, तो हमारा 0.55 जो है ये हमारा जीरो एरर होगा और ये माइनस के अंदर आ गया, सही है। अगर हमारे पास पॉजिटिव के अंदर आ रहा है तो जो लाइन कंसीड कर रही है 85 के ऊपर है, 65 के ऊपर है, जो भी हमारी लाइन है वही लाइन हमारा जीरो एरर होगा, और अगर हमारे जो है वो जीरो को क्रॉस कर गया और अगर माइनस के अंदर हमारा जीरो एरर आ रहा है देन क्या होगा, देन जितनी लाइंस जो कंसीड कर रही है लाइन, जितने हमारे पास रीडिंग है जो हमारी डिविजन्स हैं कंसीड कर रही है, जितनी हमारी डिविजन्स हो गई हैं 55 है, 65, 85 कुछ भी है, उसको 100 में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जो हमारा आएगा उसको 100 से डिवाइड करके जब हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो है वो उसकी जो जीरो एरर है वो आ जाएगा। अब यहाँ तक हमने क्या जो पढ़ा, पहले तो हमने ये देखा कि हमारे पास स्क्रू गेज बेसिकली होता क्या है, नेक्स्ट चीज जो हमारे पास थी, नेक्स्ट हमने ये देखा कि लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट जो है वो स्क्रू गेज का हमारे पास 0.01 मिलीमीटर होता है। अब हम देखते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट की रीडिंग लेनी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, कुछ भी हो सकता है, उसकी हमने रीडिंग लेनी है, मेजर करना है, तो हम मेजर किस तरह उसको करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेजर करने के लिए हम जो हमारे पास स्क्रू गेज है उसके अंदर कुछ भी नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, उस फॉर्म में जब हमारे पास होगा हम इसको क्या करेंगे, थिम्बल को मूव करेंगे, मूव करते हुए स्पिंडल और हमारे पास जो स्टड है उसको मिला देंगे, बिल्कुल टाइटली क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद अब सबसे पहली चीज होती है मेन स्केल की रीडिंग, जब हम क्लोज कर देते हैं, जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास वहां पे नहीं है, जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता तो ऑटोमेटिकली जो हमारी मेन स्केल रीडिंग है वो क्या होगी, मेन स्केल रीडिंग हमारी जीरो होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आती है, नेक्स्ट है हमारे पास हमारा डिविजन्स, कितनी डिविजन कंसीड कर रही है,
अब यहां पे हम देखेंगे कि ये जो जीरो है इसके जो ये लाइन है हमारी ये इस तरफ आ रही है राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे आ रही है। अगर राइट साइड पे है सपोज किया कि जी राइट साइड पे है, अब जो जीरो एरर हम निकालेंगे वो जीरो एरर क्या होगा, वो होगा पॉजिटिव। ठीक है, अब हमारे पास ये लाइन इसके इस तरफ थी, जीरो के इस तरफ थी। हम अब देखेंगे कि कितनी डिविजन्स कंसीड कर रही हैं, कितनी डिविजन्स क्या कर रही हैं, कंसीड कर रही हैं। हमने देखा जी हमारी जो है वो 60 डिवीजन, 60 वाली जो लाइन थी वो इंडेक्स लाइन के साथ कंसीड कर रही थी। अभी हम यहाँ पे जब जीरो एरर लेते हैं, जब हम क्या लेंगे जीरो एरर, तो हम क्या देखेंगे कि कौन सी लाइन हमारी कंसीड कर रही है 60। जो लाइन हमारी कंसीड कर रही है 60 लाइन 70 कुछ भी है, उस लाइन को हम क्या करेंगे हमारे लीस्ट काउंट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। लीस्ट काउंट है हमारा 0.1 मिलीमीटर, हम 0.1 मिलीमीटर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा आ जाएगा 0.60 हमारे पास क्या आ जाएगा 60। ये 0.60 जो है ये हमारा लीस्ट काउंट जीरो एरर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब जीरो एरर हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब जो जीरो एरर है बेसिकली वो हमारे पास क्या होता है, जीरो एरर किस तरह आता है हमारे पास, ये हमारे था जो हमने रीडिंग ली वो, ये हमारी मेन स्केल रीडिंग थी, ये हमारी है सर्कुलर स्केल रीडिंग। जीरो एरर के अंदर हमारी कौन सी है, ये हमारी थी सर्कुलर स्केल की रीडिंग थी हमारे पास, सर्कुलर स्केल की रीडिंग ले ली। अब हम क्या करेंगे, मेन स्केल की रीडिंग और सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग, दो रीडिंग्स हमारे पास आ गई, इन दोनों रीडिंग्स को प्लस कर देंगे 0.00 + 0.60, तो हमारे पास 0.60 मिलीमीटर, ये हमारे क्या आ गया, ये हमारा जीरो एरर आ गया। अब जीरो एरर क्या होता है, जीरो एरर वो एरर होता है जो हम फाइंड करते हैं। हमने ये फाइंड कर लिया एरर, ये हमारे पास एरर है, ये हमारा जीरो एरर है। अब जो जीरो करेक्शन होती है वो इसका सोल्यूशन होता है, हम जीरो एरर को जो खत्म कर देते हैं उसका, उसको सॉल्व आउट करते हैं, वो हमारा क्या होता है जीरो करेक्शन होता है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम करेंगे कि जीरो करेक्शन हमारा क्या आएगा, अगर हमारा जीरो एरर पॉजिटिव होता है तो करेक्शन नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है तो जीरो एरर जीरो करेक्शन पॉजिटिव होता है। हमारा 0.60 जो है मिलीमीटर ये माइनस हो जाएगा, ये जो माइनस है ये हमारा जीरो करेक्शन यहाँ पे आ गया। अब जब हम इसकी हमने सबसे पहले लीस्ट काउंट फाइंड किया। लीस्ट काउंट फाइंड करने के बाद जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की रीडिंग लेने जा रहे थे, करने जा रहे थे, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की रीडिंग को करने के लिए हमने सबसे पहले, जब हमारे पास वो ब्लैंक था उसके अंदर कुछ भी नहीं था, कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, तब उसकी रीडिंग ली। ठीक है, वहां से हमने फाइंड किया जीरो करेक्शन। जीरो करेक्शन हमारे पास जो आ रहा है वो हमारे पास आया जी -0.60 मिलीमीटर। अब हम क्या करेंगे, अब हम जिस ऑब्जेक्ट की रीडिंग लेना चाह रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को, इसको लूज करेंगे, पहले लूज करके उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे स्पिंडल और स्ट्रट के दरमियान रखेंगे। यहाँ पे रखने के बाद हम इसको क्या करेंगे, हम थिम्बल को मूव करेंगे, मूव करते हुए हम इसको जब आगे लेके आएंगे ये इसके साथ बिल्कुल क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा टाइटली। टाइटली अटैच करने के बाद लॉक, हम लूज था पहले लॉक को बंद करेंगे, बंद करने के बाद अब हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे मेन स्केल की रीडिंग कि हमारी मेन स्केल की रीडिंग कितनी है। मेन स्केल की रीडिंग कहाँ से आएगी, मेन स्केल की रीडिंग यहाँ से आएगी कि हमारी ये कितने मिलीमीटर इस तरफ हैं, मतलब ये हमारी लाइन होती है इसके ऊपर, सही है। अब सपोज किया जब हमने रीडिंग ली तब ये हमारा ये स्केल था, ये वाला ये जीरो था हमारा 1, 2, 3, ये 3 तक था, और ये जो हमारे नेक्स्ट वाला था ये उसके ऊपर इस तरह आ गया। हमारा जो सर्कुलर स्केल है वो मेन स्केल के ऊपर इस तरह आया कि हमारी 3 डिवीजन जो थी वो इससे बाहर थी। तो हमारी जो मेन स्केल अगर इस तरह आता है तो हमारी मेन स्केल की जो रीडिंग होगी, मेन स्केल की रीडिंग हमारी होगी 3। मेन स्केल की रीडिंग जो हमारी यहाँ पे आएगी वो हमारी होगी 3 मिलीमीटर। अब क्या है, हमारे पास जो हमने इसके अंदर वायर रखी या हमें कोई भी ऑब्जेक्ट था वो रखी, वो है 3 मिलीमीटर का, ये हमें पता लग गया यहाँ से, क्योंकि हमने उसकी ले यहाँ से क्या था उसके अंदर रखकर उसकी क्या ली, हमने रीडिंग ले ली। अब रीडिंग लेने के बाद हम क्या करेंगे, जीरो इसके अंदर जीरो एरर फाइंड करेंगे। जीरो एरर किस तरह फाइंड होगा, हम यहाँ से देखेंगे कि यहाँ तक कौन सी लाइन इसके साथ कंसीड कर रही है, हमारी इंडेक्स लाइन के साथ। अब हमने देखा कि इंडेक्स लाइन के साथ कोई भी हमारी लाइन कंसीड कर ली, सपोज कि ये इंडेक्स लाइन है हमारी, और इंडेक्स लाइन के साथ हमारी जो थी 0, 5, 10 और हमारी जी 15
और 16 लाइन कंसीड कर दी, सपोज किया कोई भी हो सकती है। अब हम क्या करेंगे, जो लाइन कंसीड कर लिया हमने अभी कौन सी लेनी है, सर्कुलर स्केल रीडिंग लेनी है, सर्कुलर स्केल। इसके अंदर क्या होगा, हमारी कितनी डिवीजन थी जो कंसीड कर रही थी जी, 16 थी, हमने 16 यहाँ पे लिखा। 16 को लिखने के बाद जो हमारे पास ये डिवीजन आ गई है उसको हम जिस तरह पीछे किया था लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई, जो हमारा लीस्ट काउंट है हम उससे क्या कर देंगे 0.01 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ गया 0.16 मिलीमीटर, सही है। अब ये हमारे पास आ गया सर्कुलर स्केल की रीडिंग हो गई, मेन स्केल की रीडिंग भी हो गई। अब जो ऑब्जर्व रीडिंग हमने रीडिंग ऑब्जर्व की है, ऑब्जर्व रीडिंग हमारे पास टोटल आ चुकी है। एक तो हमारी जो रीडिंग हमने यहाँ से ली 3 मिलीमीटर, दूसरा हमारे पास जो वहाँ पे हमारी सर्कुलर स्केल रीडिंग थी वो हमारी थी 0.16 मिलीमीटर। ये हमारे पास अगर 3.16 मिलीमीटर टोटल हमारे पास रीडिंग आ चुकी है ऑब्जर्व्ड रीडिंग। अब एक्चुअल रीडिंग जीरो एरर को फाइंड करने के बाद क्या होगी, हम अगर एक्चुअल रीडिंग की बात करते हैं तो एक्चुअल रीडिंग हमारे पास जो होगी या करेक्ट रीडिंग हमारे पास होगी वो हम किस तरह फाइंड करेंगे, हमारे पास जो हमने किए थे हमने ऑब्जर्व्ड रीडिंग ली है, ये ऑब्जर्व्ड रीडिंग इसमें से जो हमारे पास आ गई है सर्कल जो हमारा जीरो करेक्शन था उस जीरो करेक्शन को इस मेन जो हमारी ऑब्जर्व रीडिंग थी उसमें से माइनस कर देंगे। हम क्या करेंगे, जो ऑब्जर्व रीडिंग है हमारी उसमें से जो हमारा जीरो करेक्शन है उसको हम माइनस कर देंगे, उसमें से निकाल देंगे। जीरो करेक्शन हमारा था 0.60, ये हमारा 3.16, हम इसमें से क्या करेंगे, हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 2.56। ये जो 2.56 हमारे पास आया है, ये 2.56 क्या है हमारा, ये 2.56 जो है हमारा, ये हमारा बेसिकली हमारी एक्चुअल रीडिंग आ जाएगी।